गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑटो गैलरी एंड मार शॉप ऑटो मैजिक कार डेकोर। सो भाई आज आपके लेके आओ यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड फिर से भाई एक खड़ी वो दूसरी ये हमारी तीसरी, मतलब टोटल आज तीन गाड़ी यहाँ पे दिखाने वाले हैं। उसके अंदर थोड़ा बहुत काम है जैसे हमारा इंडिया का काम है और साथ साथ उसमें अलॉय व्हील्स लगे हैं, पीछे रिफ्लेक्टर लगा है और भाई उसके अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम है। बाकी जो हमारा मेन काम है इन दोनों के अंदर हो रहा है जो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है। तो भाई दिखाना चाहूँगा क्या क्या यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है। सो भाई जो पहली गाड़ी है इसके अंदर क्या क्या अपग्रेड किया वो बताने वाला हूँ। तो भाई फ्रंट से यहाँ पे आपको देख रहा होगा, जैसे भाई सबसे मेन चीज़ हमारी होती है ये हमारी फॉग लाइट और DRL। तो भाई ये हमारा पूरा लगा दिया है जर्न वाला महिंद्रा का। साथ साथ भाई इसकी जो वायरिंग आपकी कपलर टू कपलर होती है, कोई आपकी वायर कटिंग इसमें होती नहीं है। बाकी बात की जब भाई स्किड प्लेट लगवाएं तो वो अवेलेबल यहाँ मिल जाती है। उसके अलावा ऊपर बात की जब भाई यहाँ देखिए हेडलाइट के अंदर जो LED है उसको यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया गया, बट अगर अपग्रेड करवाना चाहे तो भाई अपग्रेड यहाँ पे हो जाएगी, मतलब आपको डिफरेंट वॉट यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। बाकी बात की जाए ग्रिल में देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, 7 स्लॉट मिल रहे हैं, 1 कम्प्लीट स्लॉट ऊपर, बाकी 6 स्लॉट आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। सो भाई ये तो होगी फ्रंट की बात। बाकी साइड प्रोफाइल की बात की यहाँ देखिए भाई अलॉय देख सकते हैं 18 इंच के यहाँ पे अलॉय लगे, आप पोलो का यहाँ पे टायर इंस्टॉल किया गया, देखिए प्रॉपर फिटमेंट आपको मिल जाएगी। ये भी आपको मिला महिंद्रा जेन्युइन, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है आफ्टर मार्केट चिपका के दे रहे हैं महीने जन बोल के, भाई कंप्लीट जेन्युइन है। आप डब्बा पैक कराते हैं हमारे पास, आपको दिखा दूंगा स्टॉक दिखा दो, भाई स्टॉक आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई देखिए ये सारा हमारा अलॉय का स्टॉक है भाई, ये अभी अभी जस्ट अभी आया है, सारे अलॉय है देखिए महिंद्रा के आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है ठसा कर रहा है। बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए आफ्टर मार्केट ज़्यादा भाई आफ्टर मार्केट आप जा सकते हैं। बाकी भाई ऑटो फोल्ड भी इसके अंदर हो गया हमारा कैमरे का, वो दिखा देंगे, साथ साथ इन हैंडल में यहाँ पर रिप्लेस हुए। तो देखिए भाई ये भी आपको जेन्युइन मिलने वाला देख सकते हैं, भाई आपको जेन्युइन की पहचान कैसे होगी, यहाँ पर रेड कलर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर डिप करवाएं तो डिप का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ भाई इधर सीट कवर का काम चल रहा है, सीट कवर जो टॉप मॉडल वाले सीट कवर लग रहे हैं, स्टीयरिंग कवर भी यहाँ पर लग चुका है देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको फिनिशिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये देखिए भाई प्रॉपर फिटमेंट आपको मिल रहा है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं, आर भार नहीं, जिसे बोलते हैं प्रॉपर वो मिल रहा है भाई। देखिए फिटमेंट, देखिए फिटमेंट प्रॉपर मिलेगी यहाँ पे भी, आप कटा फटा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो भाई ये तो पहली गाड़ी की बात है, चलते दूसरी गाड़ी को दिखा दो क्या क्या उसके अंदर अपग्रेड किया जा रहा है। भाई जो दूसरी गाड़ी है इसके अंदर यहाँ देखिए आपको फॉग लाइट देखने को मिल जाएगी DRL जो आपको बताया महिंद्रा जेन्युइन है। साथ ही साथ इसके अंदर भाई बात की जाए और क्या क्या है, तो भाई यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपको फ्लैशर्स देखने को मिल जाएंगे, ग्रिल के अंदर देख सकते हैं फ्लैशर्स मिल रहे हैं। और भाई बाकी आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल रही है, जो हमारे क्रोम लगाए गए सारे जेन्युइन महिंद्रा के पार्ट्स होते हैं। बाकी भाई अलॉय व्हील्स यहाँ पे लगवा के लाए थे कस्टमर हमारे, तो भाई बाकी अगर आपको लगवाएं तो भाई लग भी जाते हैं, 17-18 2 इंच यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। बाकी भाई थोड़ा बहुत काम यहाँ पे चला, देखिए यहाँ पे हमारा सॉफ्ट टच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो भाई देखिए सॉफ्ट टच हो चुका है हमारा, उसके साथ साथ हैंडल यहाँ पर रिप्लेस किया गया जो आपको जेन्युइन महिंद्रा का मिल जाए। देखिए भाई रेड कलर की टेपिंग, सेंट्रल स्पीकर यहाँ पे एडजस्ट हुआ है, साथ साथ कैमरा लगाया गया, और भाई यहाँ पे जो सेंट्रल कंसोल होता है वो भी यहाँ पे ब्लैक पियानो होने गया हुआ है। सो भाई इसके अंदर ये कुछ कई काम है। बाकी तीसरी गाड़ी हमारी ये रही, तो तीसरी गाड़ी भी दिखा दो साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है भाई जरा फ्रंट सेट ना। तो भाई देखिए यहाँ पे भी आपको दिखा जो मेन काम होता है हमेशा भाई फॉग लाइट DRL वो आपको हमेशा हमेशा मिलेगा। साथ साथ हेडलाइट के अंदर इसके अंदर LED को अपग्रेड किया गया, जैसे बताया भाई अपग्रेडेशन आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी अगर टॉप मॉडल LED चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे हेडलाइट मिल जाएगी टॉप मॉडल की। अलॉय व्हील्स आपको फिर से बता रहा हूँ अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। साथ साथ साइड ग्लाइडिंग की बात करें, अगर आपकी Z2 है तो भाई Z2 के अंदर ये आती नहीं है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं चेंज, आपको डिप सिस्टम मिल जाएगा। बाकी इंटीरियर से दिखा दो इंटीरियर में क्या क्या यहाँ पे किया जा रहा है। तो भाई सॉफ्ट टच देखिए, तो भी सॉफ्ट टच हो गया, लेदर रैपिंग, प्रॉपर फिटमेंट, पूरी प्लेट चेंज, इनर हैंडल चेंज, साथ ही साथ भाई देखिए पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे लेदर रैपिंग होने गया हुआ है, तो भाई वो भी काम हो जाएगा। साथ ही साथ भाई सीट कवर देख सकते, सीट कवर भी यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया, प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो भाई जैसे ही गाड़ी कंप्लीट होगी आपको दिखा दूंगा। उससे पहले एक चीज़ और देखिए भाई, ये देखिए जो हमारी, ये देखिए भाई पूरा कंप्लीट लुक जिस तरीके से मिलेगा, अभी फिटमेंट प्रॉपर की नहीं है, जैसे ही काम होता जाएगा सफाई होती जाएगी, फिटमेंट आपको प्रॉपर यहाँ मिल जाएगी, कंप्लीट वाटर प्रूफ होने वाला है, साथ साथ डस्ट प्रूफ होने वाला है। तो भाई ये जो हमारा फ्लोरिंग है भाई बहुत बेहतरीन इसकी क्वालिटी होने वाली है, साथ ही साथ टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा मिलता है, ऑप्शन आपको इसमें भी मिल जाते हैं। तो भाई जैसे ही गाड़ी कंप्लीट होती है दिखा दो ओवरऑल लुक क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड किया जा रहा है। भाई इसके अंदर यहाँ देखते हैं यहाँ पे हमारा वूफर भी इंस्टॉल होने वाला है, जो वूफर है हमारा JBL 1500 वॉट का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए पैरामेट की डैमिंग करके प्रॉपर डैमिंग देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ देखिए पूरा फ्रेम भी यहाँ पे लगा देगा, भाई फ्रेम की क्वालिटी देखिए
अच्छी खासी क्वालिटी आपको फिल्म की भी मिल जाती है। प्रॉपर आपको देखिए फ्रेम का वो जो फूल के आ गया है, आपका सिर्फ क्या हुआ है जेबीएल 1500 वाट आपके वूफर के लिए। तो भाई वायरिंग भी हो जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई। ये सारा हो रहा है जो हमारी जेन्युइन जगह दी होती है उसके अंदर ही, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, कोई एक्स्ट्रा आपके इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी वायर कटिंग भी इसमें नहीं होगी आप। तो भाई फाइनली यहाँ पे हमारा काम हो गया है, जो स्कॉर्पियो N i थी हमारी कम्प्लीट रेडी हो चुकी है। अब क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड किया वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले फ्रंट पे खड़े तो फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ देखे आपको दिखाया था DRL फॉग लैंप जो हमारा जेन्युइन होता है। यहाँ पे फॉग लैंप अभी हमारा ऑफ है, DRL हमारा ऑन है। भाई जैसे आपने इग्निशन ऑन करेंगे वैसे ही आपका ये DRL ऑन हो जाता है। और भाई फॉग लाइट ऑन करवाऊंगा, फॉग लाइट रिस्पॉन्स होता है। भाई जरा फॉग लाइट ऑन करना, फॉग लाइट हेडलाइट बंद कर दो। तो भाई देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ऐसी कुछ ब्राइटनेस है। फ्रंट से देखिए ऐसी कुछ आपको अच्छा यहाँ पे ब्राइट सिस्टम मिलता है। बाकी इसका सिंपल रिस्पॉन्स देखिए अच्छा खासा यहाँ पे ब्राइट रिस्पॉन्स मिलता है। इसी मेरा फॉग लाइट का रिस्पॉन्स है। बाकी भाई जो हेडलाइट के अंदर LED को यहाँ पे अपग्रेड किया गया उसका रिस्पॉन्स भी दिखा दो। भाई चाहे लो बीम चला दो। तो भाई ये कुछ आपको लो बीम यहाँ पे देखने को मिले, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं, अच्छा खासा ब्राइट क्लियर रिस्पॉन्स मिल जाता है। हाई बीम में चला दो भाई, हाई बीम। तो भाई देखिए हाई बीम का ऐसा कुछ रिस्पॉन्स होता है। डिपर मारना भाई एक बार। तो भाई देखिए मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ब्राइट सेटअप आपको मिल जाता है। बाकी बात कीजिए भाई इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है, तो भाई यहाँ पे आप पूरी आपको हेडलाइट अपग्रेड करवा सकते हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी जेन्युइन ZL वाली, जिसके अंदर मिलता है आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर। साथ साथ जो पार्किंग बल्ब है हैलोजन में वो भी आप चेंज करवा सकते हैं, वाइट करवा सकते हैं। और ग्रिल का अगर अपग्रेड करवाएं तो भाई ग्रिल के अंदर क्या ऑप्शन है, ग्रिल के अंदर यहाँ पे आप क्रोम फिनिशिंग लगवा सकते हैं एक पीस और नीचे 6 पीस, टोटल 7 पीस। और जो ये फ्रंट ग्रिल है ये भी आप अपने ब्लैक पियानो करवा सकते हैं, कुछ फ्रंट लुक आपको अच्छी खासी मिल जाएगी यहाँ पे। बाकी नीचे से भाई देखिए यहाँ पे स्किड प्लेट भी आप इंस्टॉल कर दी गई है, प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। फ्रंट से कुछ इस तरीके की यहाँ पे लुक प्रोवाइड होती है। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें साइड में क्या क्या हुआ है, तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दो। पहले तो अलॉय व्हील्स, तो भाई 18 इंच के यहाँ पे अलॉय व्हील्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए। ये देखिए भाई प्रॉपर जेन्युइन महिंद्रा के है भाई। अगर इसके अलावा आपको 17 इंच चाहिए, 17 इंच तो भाई आप लगवा सकते हैं, वो आपके स्टॉक टायर के अंदर लग जाएगा। लेकिन 18 इंच के अंदर क्या है भाई, आपके जो टायर है वो चेंज होते हैं पूरे। तो भाई उसके अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, MRF का चाहिए, C8 का चाहिए, पोलो का चाहिए, जो आपको चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप लगवा लेना। बाकी भाई अगर आफ्टर मार्केट में जाना चाहते हो तो आफ्टर मार्केट भी आप जा सकते हैं, मतलब ऑप्शन सारे मिलने वाले हैं। बाकी भाई यहाँ पे दिखा देते हैं, अगर आपकी Z2 है या फिर आपको ये चाहिए, मतलब आपके सिल्वर कलर की आती है जो फुटरेस्ट आती है, ब्लैक भी मिल जाएगी टॉप मॉडल वाली। साथ ही साथ अगर रूफ रेल की बात की जाए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी टॉप वाली। बाकी भाई अगर आपको यहाँ पे लगवानी है हमारी लोग आंश तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। बाकी बात की जाए बैक प्रोफाइल में क्या अपग्रेड किया है, तो भाई बैक प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए हमारा कैमरा इंस्टॉल किया है, अच्छी खासी फिटमेंट मिल जाएगी। DS05 हमारा ब्लूप्रिंट का कैमरा यहाँ पे आपको इंस्टॉल किया जाएगा। बाकी भाई इसके पीछे अगर आपकी Z2 है तो भाई Z2 के अंदर भी आप अपना यहाँ पे करवा सकते हैं, डमी वाइपर हो गया या फिर आप वर्किंग वाइपर भी करवा सकते हैं। बाकी इंटीरियर में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ इंटीरियर में क्या क्या अपग्रेड किया गया है। अब इंटीरियर की बात की जाए तो भाई सबसे पहले स्टेयरिंग रैप दिखाऊंगा, मून डिजाइन जो किया है हमारा, ब्राउन ब्लैक का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो टॉप मॉडल वाला वेरिएशन आपको मिलता है। बाकी भाई स्टिचिंग देखा तो स्टिचिंग आपको अच्छी खासी प्रॉपर हमें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी स्टिचिंग में, क्वालिटी एक नंबर मिलेगी। साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको और भी ऑप्शन मिल जाए कंप्लीट ब्लैक का, या फिर इसके अंदर आपको और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप डुअल टोन करवा सकते हैं या फिर आप चार कट में करवा सकते हैं, सारी अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। बाकी के दरवाजे की बात की जाए तो भाई यहाँ देखिए इनर हैंडल कंप्लीट रिप्लेस है हमारा, जो जेन्युइन देख सकते हैं रेड कलर की यहाँ पे आपको टेपिंग दिख रही हुई, साथ साथ ग्रैब हैंडल हमारे रिप्लेस है जेन्युइन महिंद्रा। और भाई ये जो स्विच पैनल है ये भी हमारे जेन्युइन महिंद्रा रिप्लेस है। बाकी अगर स्विचेस आपको रिप्लेस करवाना वो भी हो जाएंगे, ऑटो फोल्डिंग करवाना चाहते हो भाई ऑटो फोल्डिंग भी हो जाएगी। जो स्विच है ये हमारे ये हमें डमी पीस है, बट जो लगेंगे वो आपके वर्किंग आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू भाई अंदर से भी कंट्रोल सकते हैं और चाबी के थ्रू भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर यहाँ देखिए यहाँ पे कंप्लीट सॉफ्ट टच हो चुका है, सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सॉफ्टनेस मिल जाएगी। और फिटमेंट देखिए भाई फिटमेंट आपके प्रॉपर मिल जाएगा, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा, प्रॉपर फिट जिसे बोलते हैं वो आपको यहाँ मिलता है, क्वालिटी वर्क एक नंबर है। साथ साथ स्टिचिंग देखिए, स्टिचिंग भी बहुत प्यारी यहाँ पे की गई है। तो भाई काम जो मेन होता है भाई स्टिचिंग का होता है, जितनी अच्छी स्टिचिंग होगी उतना अच्छा यहाँ पे आपको लुक देखने को मिलती है, परफेक्शन उतना अच्छा मिलता है। बाकी बात की जाए थोड़ी देर लेके चलूँ तो भाई ये देख सकते हैं कंप्लीट ग्लॉसी फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ब्लैक के अंदर बहुत अच्छी बहुत प्यारी फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको और भी पार्ट ग्लॉसी करवाएं तो भाई और भी पार्ट यहाँ पे ग्लॉसी हो जाते हैं, जैसे जो फ्रेम है ये फ्रेम ग्लॉसी हो जाएगा। आपको अगर एडिशनल में और कुछ ग्लॉसी करवाना है जैसे स्विचेज है, स्विचेज ग्लॉसी थी, तो भाई वो अवेलेबल हो जाते हैं महिंद्रा जेन्युइनली। बाकी भाई देखिए डैशबोर्ड देख सकते हैं, डैशबोर्ड पे भी लेदर रैपिंग हो चुकी है अच्छी खासी, देखिए यहाँ पे सॉफ्टनेस भी होगी, देखिए भाई सॉफ्ट टच यहाँ पे भी हुआ है, प्रॉपर फिटमेंट मिले, एक एस्टोरेज फिटिंग है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे आर भार नहीं है, कटा फटा कहीं से भी नहीं होगा, जिसे बोलते हैं परफेक्शन वाला काम, प्रोफेशनल वाला काम, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑटोमेटिक कार्ड एक और पे। साथ ही साथ बात की जाए भाई इसके अंदर किया गया हमारा सीट कवर,
तो ये सीट कवर आपको यहाँ पर टॉप मॉडल देखने को मिल जाएंगे। कस्टमर ने वापस इस पर पन्नी चढ़वाए ताकि गंदे वंदे ना हो। तो भाई यहाँ से दिखाया तुम, सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है भाई, कंफर्ट लेवल अच्छा खासा है। और भाई जो टेक्सचर है, टेक्सचर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई लेदर क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। थोड़ा इधर आता भाई, यहाँ देखिए आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाएगा, जिसकी स्टिचिंग देखिए और परफेक्शन से स्टिचिंग में यहाँ पे वर्क किया गया। सारा लेदर वर्क आपको अच्छा खासा मिल जाएगा भाई। बाकी बात कीजिए सॉफ्टनेस, तो भाई सॉफ्टनेस में भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। थोड़ा नीचे चले तो भाई यहाँ दिखा दूँ, तो भाई देखिए फ्लोरिंग भी यहाँ पे की गई है, ये देख सकते हैं भाई, प्रॉपर फ्लोरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई वाटरप्रूफ है, डस्टप्रूफ है, और मैटिंग भी देख सकते हैं, मैट भी यहाँ पे हमें लगा दिया गया है, जो भाई ये भी आपको वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ मिलने वाला है। सो भाई ये कुछ काम हुआ, बाकी कस्टमर के पास चलते हैं, पूछते हैं, रिव्यू लेते हैं उनसे कि उनको काम कैसा लगा। सो गाइस ये हमारी गाड़ी के प्राउड ओनर, सर नाम क्या आपका? रोहित। कहाँ से आए सर आप? गाजियाबाद। सर गाजियाबाद से यहाँ पे आया, किसने बताया था, रिकमेंडेशन दिया था यहाँ का आपको? सर वो उस पर निकाला था यूट्यूब पे। हाँ जी, हाँ जी। तो सर यूट्यूब पे जो दिखाया गया काम और प्राइसिंग जो बताएगी आपको, सेम वही मिले कुछ डिफरेंट मिले? अच्छा काम है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अच्छा काम लगा। अच्छा लगा काम, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ी आपको? नहीं नहीं कोई दिक्कत। और जो जो आपको चाहिए था, जैसे आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये करवाया, बाकी सीट का करवाया, सॉफ्टवेयर चलाया, तो आपको सब मिला यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ी इसमें? मिला। और डिस्काउंट की, बाकी डिस्काउंट मिला आपको? डिस्काउंट भी मिला, बट अच्छा काम रहा, काम अच्छा लगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं पड़ी आपको? बाकी अगर 10 में से नंबर दिया तो क्या नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। और किसी को भेजना हो बताना, रिकमेंड करना करेंगे सर आप? वो मैं भेज दूंगा अगर किसी को भेजना होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सो भाई ये कुछ काम हुआ था मैं अपनी स्कॉर्पियो एन के अंदर। भाई ये सारा काम आपको पता क्या होता है, ये सारा काम होता है हमारी दुकान ऑटोमेटिक कार डेकोर पे। सबसे बेस्ट काम यहाँ पे मिल जाएगा महिंद्रा से रिलेटेड। तो भाई कभी भी आदमी अपनी गाड़ी लेके आना भाई, हमारी दुकान पे जरूर आना ऑटोमेटिक कार डेकोर पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।